不说打，人去多打，人穿多打，你有用打。亚当说，本高没最多，高没最多。他们说不出，有话你查查，说不打你，没那么大。一个人为了马上有打。उसके साथ जुड़ना अपने स्तर पर हमारा क्या दायित्व होता है, दायित्व के साथ अगर हम जुड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते सफलता और तेजी के साथ आगे बढ़ती है। कौन सोचता था देश 1947 में आ जाता 1949 में अयोध्या में विवादित ढांचे के अंदर रामलला का प्रकटीकरण हो जाता है। उस आंदोलन में उस समय अयोध्या के गिने चुने संत थे, बाबा आदिराम दास जी, पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज, और इन सबको संरक्षण किसका प्राप्त था? पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का। ब्रह्मजी महाराज ने यहां जब भी आते थे तो एक ही बात कहते थे, क्या कहते थे कि मैं कुछ नहीं जानता, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज तो मेरे भी गुरु थे। और जितना ब्रह्मजी महाराज में फटफड़ पड़ता उतनी ही विद्वत्ता थी। उसी विद्वत्ता के साथ, उसी दृढ़ता के साथ अपनी बातों को बेबाक तरीके से मंचों पर रखते थे। और ब्रह्मजी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की प्रेरणा से हाईकोर्ट में राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ना है, इसको लेकर के ब्रह्मजी महाराज ने वही मुकदमा फिर आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। याद करिए कैसे एक से एक पीढ़ी जुड़ती गई। सभी संत पूज्य संतगण यहां पर थे, और सचमुच में जब अयोध्या जाता हूं पता ही नहीं लगता कि मैं गोरखपुर में यहां अयोध्या में, कभी नहीं पता लगता। सभी लोग ऐसे लगते हैं जैसे अपने लोग हैं, सब अपने साथ एक साथ मिल करके अपने घर जैसा माहौल देखता है, और मुझे भी नहीं लगता है। लोगों को लगता था 2017 को जब पहले हम लोग पहली बार अयोध्या गया था, लोगों को लगता था कि लाएंगे बहुत विवाद होगा। मैंने कहा देखो अयोध्या में कोई विवाद नहीं है। श्री राम जन्मभूमि के गोरक्षपीठ के समर्पण को हर व्यक्ति जानता है, और किसी को संदेह गोरक्षपीठ पे किसी में कोई गर्मी नहीं, लेकिन मोदी जी पर और गोरक्षपीठ पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। जो कहा है वो कर। और तब इस विश्वास के साथ मैं अयोध्या में गया था दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर। सभी पूज्य संत आए थे, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज भी आए थे, अगर का स्वास्थ्य पूर्ण नहीं, लेकिन वे भी इस कार्यक्रम में थे। हम अनेक हर वर्ष कार्यक्रम में थे, विगत वर्ष वे नहीं थे, उसके उत्तराधिकारी कार्यक्रम में थे। लेकिन दीपोत्सव में एक एक संत की भावना, जिन संतों का वर्तमान में भौतिक सानिध्य पूरे समाज को मिल रहा है इनका तो था ही, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से आज भी हम सबको उत्प्रेरित करते हैं वे भी प्रफुल्लित हो रहे थे। अयोध्या के दीपोत्सव को देखकर देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक उत्साह का माहौल था। कितना मैं देख रहा था सोशल मीडिया में पूरा लगा हुआ अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या सब के रूप में, और आज वो सचमुच अयोध्या हो गई। आज अयोध्या बन गई, सप्तपुरियों में से पहली पुरी बन गई। उसके अनुसार उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता देश और दुनिया के सामने आ रही है। यह हम सबका दायित्व बनता है अपने मानवीयों की पुनर्स्थापना के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी भव्यता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए,
उनके वैदिक उनके पौराणिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए, लेकिन सरकार के भरोसे नहीं होता है, समाज को अगुवाई करनी पड़ेगी, संतों को नेतृत्व देना पड़ेगा, आगे बढ़कर के कार्य करना पड़ेगा। आज भारत की संस्कृति का डंका दुनिया में बज रहा है इसलिए क्योंकि भारत की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में एक सच्ची नेतृत्व भारत को दिया है। और आज यही कारण है कि दुनिया के अंदर कुंभ को मान्यता यूनेस्को के द्वारा दी जाती है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता मिलती है। कुंभ तो हजारों वर्षों से दुनिया ने मान्यता दी, कुंभ के बारे में क्या कहने के लोग, जहां असुरक्षा हो, गंदगी हो, भगदड़ हो, अव्यवस्था हो, वह कुंभ है। मोदी जी ने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि कुंभ में गंदगी न हो, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, हर जगह एक सुव्यवस्था दिखे। हम लोगों ने कहा जरूर प्रयास करें। और आज आपने देखा होगा प्रयागराज को कितनी भव्यता के साथ, जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उससे ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में, प्रयागराज कुंभ में आए थे। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली, इससे पहले होता क्या था, उत्तर प्रदेश के अंदर कई शहर ऐसे थे जहां के बारे में लोगों के मन में धारणा थी कि इन लोगों को अगर हम अपने यहां धर्मशाला में या होटल में कमरा दे देंगे तो कहीं हम पर आतंकवादियों को प्रश्रय देने का आरोप न लग जाए, इसलिए लोग उत्तर प्रदेश का नाम सुन करके नहीं देते थे, कतराते थे, नहीं भैया नहीं देना। लेकिन आज तो नहीं है, आज हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है, उत्तर प्रदेश का वासी प्रभु राम का प्रतिनिधि है, उनका मानव है, उनका भालू है, और वह आएगा तो उसको ही सम्मान। उनका प्रतिनिधि है भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है, बाबा विश्वनाथ का प्रतिनिधि है, भगवान बुद्ध का प्रतिनिधि है, बाबा गोरखनाथ का प्रतिनिधि है, संत कबीर का प्रतिनिधि है, इन पूज्य संतों का प्रतिनिधि है जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था इन मानवित्वों की पुनर्स्थापना के लिए, अयोध्या के लिए क्या क्या नहीं संघर्ष करना पड़ा था, सब कुछ करना पड़ा था, तभी सफलता प्राप्त होती। और उस सफलता के लिए जो हर दिन प्रयास हुए किसी ने अपना नहीं देखा, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं कहा, मैंने अयोध्या में बात कभी नहीं सुनी कि मुझे क्या मिलेगा, सबके मुंह से बात निकलती थी, किसी भी शब्द से बात करो वो कहते थे कि कुछ नहीं, केवल एक काम हो, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त।